हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कॉलेज है उसमें शिक्षकों का आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान अवकाश दे दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 23 मई तक की सभी शिक्षक का अवकाश पर रहेंगे। सभी शिक्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय संबद्ध सभी कॉलेज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर पहले चरण का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। मतलब 1 महीने की सभी शिक्षकों की छुट्टी रहेगी, कॉलेज बंद रहेंगे। तो भाई वैसे इसने बोला है कि कुल 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, मगर 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश बाद में घोषित किया जाएगा। तो इसी वजह से जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 23 मई के बाद ही सुनिश्चित किए जाएंगे, ठीक है। तो भाई 23 मई के बाद ही तुम्हारी आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो ध्यान रखना। तो इसमें यही बोला है कि 15 मई तक तो परीक्षा स्थगित कर दी गई है, मगर फिर भी और पढ़ाई भी सब कुछ बंद कर दी जाएगी कि भाई कोई ऑनलाइन को किसी प्रकार की पढ़ाई भी छुट्टी दे दी गई है शिक्षकों को। और ये 45 दिन का अवकाश प्रदान होता है, मगर 15 दिन की बाद में छुट्टी घोषित की जाएगी। और भाई इसी वजह जो परीक्षा कराने की स्थिति बनती है अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर बीच में अगर एग्ज़ाम होएगा तो जो छुट्टी है वो दोबारा से कैंसिल कर दी जाएगी, मगर अब जो एग्ज़ाम होगा आपके 23 मई के बाद ही होगी, ध्यान रखना भाई। 23 मई के बाद होगा आपके एग्ज़ाम। कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। ओके।